उन्होंने तो कभी मुझे अपनी बीवी समझा ही नहीं। जिंदगी होती होगी ना इन्हें किसी को बताने में। ये सब तमाशा तो नहीं देखना पड़ता इनकी वजह से। कभी उन्होंने कोई बात शेयर ही नहीं की। इन बेमानियों को भी तो शेयर करना पड़ जाता ना इन्हें। इन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मौत हर किसी को साहिबे मकाम ला देती है। आपको पता था ना अम्मी ये सब आप मुझे बता नहीं सकती थी। आज ये सब तमाशा तो नहीं देखना पड़ता इनकी वजह से। मैं क्या बताती, मुझे तो खुद को इल्म नहीं था। इन्होंने तो कभी मुझे अपनी बीवी समझा ही नहीं। हर मुश्किलात, हर जिम्मेदारी, बाहर के सारे मामला अपने हद तक ही रखते रहे। यार नेमतुल्ला, मैंने तुझे इतना समझाया था लेकिन करना तुझे वही होता है जो तू करता है और वही तूने किया। अब मैंने क्या कर दिया यार? यार मैंने तुझे इतना समझाया था कि अपने ग्रेजुएटी फंड से एक हिस्से से यानी रकम के एक हिस्से से कुछ कारोबार शुरू कर दे और बाकी अगर तू चाहे तो उन पैसों से घर खरीद ले। लेकिन तूने अपनी तमाम जमा पूंजी इस घर में लगा दी। सियाने कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए कि अगर टोकरी गिर जाए तो सिवाय पछतावे और अफसोस के कुछ भी हाथ में नहीं आता। हाँ यार तू भी सही कह रहा है लेकिन ये भी तो सोच के अब मैं और कितना जी लूंगा। सारी जिंदगी मेहनत की, अब रिटायर होकर भी ये काम करूंगा तो क्या फायदा? कमा लिया जितना कमाना था। शायद तुझे अंदाजा नहीं है यार कि एक किराए के घरों में रहना कितना मुश्किल होता है। अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे एक घर अता कर दिया है। भाई मेरे मरने के बाद कम से कम मेरे बच्चों को कोई हाथ पकड़ के घर से तो ना निकालेगा। आगे अल्लाह मालिक है और मेरी पेंशन भी तो आती है। ओ भाई तनख्वाह और पेंशन में बहुत फर्क होता है। अब मुझे देख, इस उम्र में भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ उस कारोबार से। मैं जानता हूँ मैं कि तूने अपने बच्चों को हाथ में छालों की तरह रखा है, उनके सारी फरमाइशें तूने पूरी की हैं। लेकिन अब इतना आसान नहीं होगा उनकी फरमाइश पूरी करना, ये बता दूं। अल्लाह मालिक है यार। देख जिसने चोंच दी है ना चोगा भी वही देगा। ना पहले मैंने कुछ किया था ना आइंदा कर सकता हूँ। ये सब मेरे अल्लाह की देन है मेरे दोस्त, वही देगा इंशाल्लाह ताला। तू नहीं मानेगा, तुझसे बातों में वाकई कोई नहीं जीत सकता। हाँ ये तो तू सही कह रहा है कि मुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। लेकिन यार एक बात बता मुझे यार, देख तेरे सर पर एक बाल नहीं है और तूने ये हेयर कटिंग सैलून खोल के बैठ गया। एक भाई ज्यादा आदमी बोला भाई चुप रहा। भाई खुशबू बता रही है कि आज हमारी बेगम ने फिर से हमारी पसंद की बिरयानी बनाई। जी नहीं, आज मैंने नहीं एनी ने बिरयानी बनाई है। तो ये तो और भी कमाल हो गया भाई। अब हमें बिरयानी खाने के लिए तुम्हारी माँ के नखरे तो नहीं उठाने पड़ेंगे ना? ओहो आप तो ऐसे कह रहे हैं तो पता नहीं मैं कितना नखरे दिखाती हूँ। पापा बिरयानी चखे तो सही। बेटा
जायका मालूम करने के लिए चखना जरूरी नहीं है, उसकी खुशबू बता देती है कि खाना कितना लजीज है। भाई वाह, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, इतनी लजीज बिरयानी। भाई अब तो हम अपने बेटे के हाथ की बिरयानी खाएंगे। ठीक है, अब आप इसी के हाथ का खाना खाइएगा। मामा तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इनको इसी मौके की तलाश थी। भाई इतनी अच्छी बिरयानी बनाने पर इनाम तो बनता है। इनाम? बोलो क्या इनाम चाहिए तुम? पापा मैं बताऊं, इसको नया मोबाइल चाहिए। क्यों एनी? अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। आएगा मजा? क्यों नहीं आएगा, हम कल ही अपनी बेटी को ब्रांड न्यू मोबाइल ला के देंगे। ओ, पापा मेरे मोबाइल को 1.5 साल हो गया, क्या मुझे भी नए मोबाइल के लिए आपको बिरयानी बना के खिलानी होगी? बेटा तेरे हाथ की बिरयानी खाने से तो बेहतर है कि मैं तुझे वैसे ही मोबाइल ला दूं। थैंक यू पापा। लव यू पापा। लव यू टू मेरे बच्चों। और लव यू थ्री। इतनी जल्दी तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मोबाइल मार्केट भी नहीं खुली। भाई मुझे पता है, बस एक काम से जा रहा हूँ। काम? पर किस काम से पता तो चले। भाई वो शब्बीर के काम से जाना है, बस वही सिलसिला है। तो फिर हम मोबाइल लेने कब चलेंगे? शाम को। शाम को? शाम को चले। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चलो मैं सफाई कर लेती हूँ। आ गया भाई। हाँ से शेयर करते, अगर शेयर कर देते तो अपनी सारी मुश्किलात और जिम्मेदारियों के साथ साथ उन बेमानियों को भी तो शेयर करना पड़ जाता ना इन्हें। साढ़े 11 लाख का बिल, चीटिंग है सरासर ये। और तुमने तो कहा था कि सारे ड्यूज क्लियर है। जी जी नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास पिछले बिलों की कॉपीज पड़ी हैं, ये देखें। अरे इन्हें देख के क्या करूंगा मैं तो ये सोच रहा हूँ इस बिल का क्या करूं। मैं नहीं भरूंगा ये पैसे, बुलाओ उस पार्टी को। नेमत भाई आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अभी उस पार्टी को भी बुला लेते हैं, अभी दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बिजली वालों ने बिल गलत भेज दिया हो, आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। आप एक काम करें, आप घर जाएं, मैं आधे घंटे में आपके पास आता हूँ, उस दौरान आप मीटर रीडिंग भी चेक कर लीजिएगा, फिर दोनों साथ चलते हैं। और अगर वहाँ भी मसला हल नहीं हुआ तो? अरे क्यों नहीं होगा, वहाँ बहुत जानने वाले मैंने, कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा। और अगर वहाँ जाकर भी पता चला कि पार्टी ने कोई 2 नंबर ही किए तो उसे भी 2-2 हाथ कर लेंगे, वो कौन सा भागीदारी है। चलो ठीक है भाई, पर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, मैं आ जाना। ठीक है बस अब जाए, मैं आधे घंटे में आता हूँ। आ जाना भाई। जी जी मैं आ रहा।
खैरियत? ये क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं है, एक छोटा सा कट था, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पौधों को पानी डाल रही थी। क्या बात है, सब खैरियत तो है? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे भाई सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें तो हमारा ही वहम हो जाता है। अच्छा चले आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाई नहमत, मुझे तो ये बिजली वालों की शरारत लगती है। पिछले महीने हमारे एक दोस्त थे जुल्फकार साहब, उनका भी अचानक 5 लाख का बिल आया था और उन्होंने बिजली ऑफिस जाकर वो वावेला किया कि यकीन मानिएगा बिजली वालों ने माजरत भी की और बिजली का बिल भी सही कर दिया। ओ भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, शरारत बिजली वालों की हो या उस पार्टी की। ओ भाई ये 11.5 लाख रुपये का बिल मैं नहीं भरूंगा। देवत भाई वो मैंने मालूम किया ना, अभी बिल गलत नहीं है। गलत नहीं है? फैसल मियां अगर ये बिल गलत नहीं है ना तो तुम गलत हो। तुमने हमें यकीन दिलाया था कि सारे ड्यूज क्लियर हैं, सारे बिल जीरो हैं। और अगर तुम्हें भी इल्म नहीं था ना तो उस पार्टी ने तुम्हें हमें हम सबको बेवकूफ बनाया, धोखा दिया है। नमत भाई आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन करें मुझे भी सोच सोच के गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने कितनी चालाकी से मैं बेवकूफ बना दिया। बहरहाल कुछ भी हो उस पार्टी को बुलाओ और कहो पैसे भरे। जी जी बिल्कुल, मैं आज शाम को इस पार्टी को बुला लेता हूँ, बल्कि आपके सामने बैठ के मैं उनसे बात करूंगा। मुझे तो खुद अभी पता चला है, यकीन माने कि उन्होंने पैसे देके आज ही तौर पे बिल कम करवाया हुआ था। कुछ भी है पैसे वही भरेंगे। अच्छा 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 अच्छा, पैसे वही भरेंगे, तुम अपना बीपी मत बढ़ाओ और टेंशन मत लो, शाम को पार्टी आएगी उनसे बात कर लेंगे। चलो घर चलते हैं। ये बात कर रहे हो, टेंशन ना, टेंशन की बातें भैया, क्लियर करवाओ इसको। चलो चलो चलो। क्या हुआ फैसल, आए नहीं? बोलो। नमस्ते साहब, मैं सुबह से उन लोगों को ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनका नंबर बन जा रहा है। वो लोग जहाँ शिफ्ट हुए थे मैंने वहाँ जाके भी देखा तो वहाँ पर ताला पड़ा हुआ है। पता करने पर मालूम हुआ है कि वो लोग वहाँ से भी शिफ्ट हो चुके हैं। अरे तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो लोग अचानक गायब हो गए और ये 11.5 लाख रुपए की घंटी मैं अपने गले में बांध लूं? नहीं नहीं भाई, आप बैठे तो सही, मेरी बात तो सुने। अरे यार क्या बैठे क्या सुने, अब कहने सुनने को रहा क्या है यार? भाई तू बैठ तो सही, इनकी बात तो सुन ले यार। बैठो। लो बैठ गया, बोलो। अच्छा फैसल, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब ये बताओ कि करना क्या है। शबीर भाई मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल इतना तो कर सकता हूँ कि इस सौदे में मुझे करीब कोई 4 लाख का कमीशन मिला था, वो मैं नेमत भाई को वापस कर देता हूँ और बाकी की जो रकम है उसकी मैं किस्तें करवा देता हूँ। यार अब क्या कहूँ मैं तुम्हें नेमत भाई, इससे ज़्यादा फिलहाल मैं अभी कुछ कर नहीं सकता। रही बात उस बुड्ढे की, तो उससे तो मैं कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूँगा और फिर देखिएगा अपने कमीशन के साथ साथ आपकी भी सारी रकम निकलवाऊंगा उससे। चलो ये भी देख लेते हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि 7.5 लाख रुपए मुझे किस्तों में भरने पड़ेंगे फिर। मजबूरी है नमन भाई, ये तो करना पड़ेगा। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया जी। अब चोट कैसी है आपकी? हाँ अब तो ठीक है, कोई खास तकलीफ नहीं है। वैसे मैं सुबह से देख रही हूँ आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कौन मैं? अरे मुझे क्या परेशानी हो सकती है, बल्कि मैं अब जितना खुश हूँ ना इससे पहले इतना खुश और मुतमईन कभी रहा ही नहीं था। वो कहते हैं ना कि मौत हर किसी को साहिब मकाम बना देती है, खबर की सूरत में दो गज़ ज़मीन ही सही, कम से कम उसके नाम से मंसूब तो रहती है ना।
और मुझे तो अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी में इतने बड़े घर का मालिक बना दिया है, तो भला मुझे क्या परेशानी हो सकती। फिर आज आप इतने खोए खोए क्यों नजर आ रहे हैं? उस्मा बेगम, मुझे लगता है कि आप आजकल ड्रामे ज्यादा देख रही हैं। आपको वो बातें भी ज्यादा महसूस होने लगी हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं। अगर नहीं बताना है ना तो ना बताएं। हस्बे आदत बातें क्यों बना रहे हैं? अरे भाई, एक रिटायर्ड आदमी अब बातें बनाने के अलावा कर ही क्या सकता है। अच्छा, अगर आप टीवी देखने जा रही हैं तो बाकी की तमाम फालतू लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा, बिना वजह जलती रहती हैं। क्या हो रहा है? रिजल्ट चेक कर रहा हूँ। रिजल्ट आ गया? हाँ। यस, ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया। मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, अप्पू, मुझे भी दिखाओ। ये देखो। ओ वाओ, अम्मी जल्दी आए। क्या हो गया, क्यों शोर कर रहे हो? अम्मी देखिए, भाई ने ग्रेजुएशन कर लिया है। क्या बात है भाई, ये एक्साइटमेंट कैसी। अप्पू ये देखिए, मेरा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया तुम्हारा? जी अप्पू, दिखाओ। अरे वाह भाई वाह, क्या अल्लाह तेरा शुक्र है। आजा मेरे शेर, गले लग जा। आज तो तुमने मेरा करियर ठंडा कर दिया। मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे बहुत कामयाब करे। अब तो ट्रीट बनती है। बिल्कुल बनती है भाई, बोलो कहाँ चले हम। भाई पास मैं हूँ ना, तो जगह मैं डिसाइड करूंगा। हुक्म करें जनाब, जहाँ बोलेंगे चलेंगे। अभी नहीं, रात को। ये ठीक है, उस वाले होटल चलेंगे, मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है। हाँ हाँ, वहाँ का खाना वाकई बहुत अच्छा था। बस मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की है। यार यार तेरा शुक्र। सलीम, ये तो तैयार हो गई भाई, ये ले लो। और नेमत, बिलाल ने अभी सिर्फ बीए किया है, उससे कहो कि एमए की तैयारी भी शुरू कर दे, फिर भले जॉब भी करता रहे, कम से कम एमए तो करना चाहिए। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। और ये डायरी में क्या लिखा जा रहा है? कौन सा हिसाब किताब लिखा है? या ये भी कोई प्लानिंग का हिस्सा है? कुछ नहीं यार, बस अपने वसाइल और मसाइल तोलता रहता हूँ। दरअसल आज बच्चों को डिनर पे ले जाना है ना, तो चादर देख रहा हूँ तो कितना पैर फैलाऊं। बिहार, डिनर पर याद आया कि तेरी भाभी ने खाने के लिए कुछ सामान मंगवाया था। बस ये सामान समेट लो और मैं इनको देता हूँ, ये संभाल लेंगे दुकान, फिर हम चलते हैं। ठीक है? चल ठीक है। ये हो गया। अरे बेगम, जितना वक्त आप अपने मेकअप और तैयार होने पे लगाती हैं ना, इतना वक्त तो ब्यूटी पार्लर वाले दुल्हनों पे नहीं लगाते। तैयार होने के अलावा ना और भी 10 काम देखे जाते हैं घर के। आपका क्या है, आप तो बस तैयार हुए और बस बैठ गए शोर मचाने के लिए। ओहो, फॉरगॉट सेक मामा, अब आप सारे रास्ते इसी बात पर बहस मत करते हुए जाइएगा, चलें। बेटा मैंने कब बहस शुरू की है? चलो भाई चलो, देर हो रही है, जल्दी से चलो। चलें। शाबाश। एक मिनट, मेरा ख्याल है मैं वॉलेट भूल गया हूँ। ऐसा करो तुम बिलाल, तुम गाड़ी में चल के बैठो, मैं वॉलेट लेके आता हूँ। जी आप ही ना, बस चल, वॉलेट भूल गया। मजा आ गया यार, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन
लेकिन क्या आपसे वैसे भी बात करने का कोई फायदा नहीं है, आपने मेरी कौन सी सुननी है, इसीलिए मैं खुद ही खामोश हो जाती हूँ। बच्चों को तो कुछ नजर आता नहीं है और आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। जब तक आपकी जॉब चल रही थी कोई मसला नहीं था, लेकिन अब तो आप अब क्या देखिए आपको किसी मामले में भी अपना सर खपाने की जरूरत नहीं है, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ। हाँ, मेरे मरने के बाद आपको जिसकी फिक्र करनी हो, जितनी फिक्र करनी हो कर लीजिएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आपसे तो बात करना ही फजूल है। पक्का नहीं कह सकती। हाँ हाँ कोशिश करूँगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा भी दिल चाहता है तुमसे मिलने का, लेकिन अभी कॉलेज की छुट्टियाँ हैं तो बार बार मैं नहीं निकल सकती बाहर। नहीं ऐसी बात नहीं है। एनी तुम किसी से बात कर रही थी? नहीं अम्मी, मैं तो बस बैठी हुई थी। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम किसी से बात कर रही हो। नहीं 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 तो हाँ मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है बाय। तुझे तो मेरी बात समझ में आएगी नहीं, बेहतर यही है कि मैं तेरे घर वालों के पास जाकर उन्हें खुद समझाऊं। क्या समझाना पड़ेगा? यही कि तू अब रिटायर्ड हो चुका है और बेहतर यही है कि तुम लोग अपने घर में अपने खर्चों को महदूद करके सादगी से जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। देख भाई ऐसी बात करेगा ना तो मैं जा रहा हूं। अबे तो मैं क्या करूं? सुना ही डॉक्टर ने तुझे क्या कहा था कि तू अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठाने पर तुला हुआ है, तेरा बीपी बढ़ रहा है और यहां उनकी परेशानी बढ़ रही है। तेरी हालत जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत खौफ आता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई अनहोनी हो गई तो। बोलना क्यों रुक गया, बोल। देख देख मेरे भाई मेरे दोस्त, एक फिलहाल भी अब पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने लगा है और तेरी कमाई अब इतनी नहीं है, तू अपने घर वालों को जाकर एतमाद में ले कि मैं अब इतना नहीं कमाता हूं। देख गिलास चांदी का हो या मिट्टी का, पानी की तासीर नहीं बदलती, प्यास दोनों से बुझ जाती है। शब्बीर मियां, अगर चांदी और मिट्टी में फर्क ना होता ना तो लोग खीर बनाकर चांदी का बर्फ ना लगाते, मिट्टी छिड़क देते, फर्क तो होता है। तू नहीं समझेगा मेरी। हाँ ठीक है, आप ऐसा करें इनके पहले काम कर दे। अच्छा चल तू काम कर, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या उस्मा बेगम भाई, आपने मेरी किताब देखी है? पत्नी मैंने कहाँ रख दी? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोले। बात यह है कि हमारी एनी अब बड़ी हो गई है तो ये कि हमें उसकी शादी के बारे में अब सोचना पड़ेगा। देखिए उसमें बेगम, आप सोचा मत करिए, आप घर के काम करती हैं क्या कम है, ऊपर से आपने सोचने जैसा मुश्किल तरीन काम भी अपने जिम्मे ले लिया। दूसरी बात यह कि एनी अभी पढ़ रही है, उसकी तालीम के मुकम्मल होने तक प्लीज इस बारे में मत सोचिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपको। और तीसरी बात यह कि पहले मैं बहू के रूप में अपने घर में एक बेटी ब्याह के लाऊंगा, बाद में अपनी बेटी को रुख्सत करूंगा। समझ में आ गए आपको?
आप प्लीज बता दीजिए मेरी किताब कहाँ रखी है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी। जाहिर है आपको क्या पता होगा, आप तो सोचने में मसरूफ थी। चले हम ही ढूंढ लेते हैं। हाँ हाँ, उसकी यही हरकत थी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। सॉरी नेमन भाई, मैं आज मसरूफ इतना था कि आ नहीं सका। ये ले मिले। बन गए किस्त? जी हो गई किस्त। अच्छा ये पता किया कि अब ड्यूज कितने? जी मालूम किया था मैंने, पिछले चार महीनों में सिर्फ 6,000 रुपए जमा हुए हैं। अरे ये कैसे हो सकता है भाई, हम हर महीने करंट बिल के साथ 5,000-6,000 रुपए इजाफी अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मामला ये है कि जो अमाउंट आप जमा करवा रहे हैं वो पिछले बिल के मार्कअप में ही कट जाती है, और जो बाकी बचती है उसे टोटल अमाउंट से माइनस कर दिया जाता है। यार तुमने इन्हें कहाँ फंसा दिया यार, इस तरह तो इनकी सारी जिंदगी किस्तें अदा करते करते गुजर जाएगी। अच्छा ये बताओ उस पार्टी का पता चला? नहीं पता चला, मेरे ख्याल से वो शहर छोड़ के चले गए। एक बात बोलूं? बोलो। जब तक आपका बिल क्लियर नहीं हो जाता आप मीटर की सेटिंग क्यों नहीं करवा लेते? इस तरह से आपका करंट बिल कम हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जमा करवा कर अपने बिल को क्लियर करवा लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो फैसल मियां, तुम हमें बिजली चोरी का मशवरा दे रहे हो? पता है बिजली वालों को पता चल गया ना तो कितनी जिल्लत उठानी पड़ती है। बात कर रहा है यार? कुछ भी नहीं होगा नेमत भाई, मेरे बंदों की सेटिंग अंदर तक है, अगर कोई मसला हुआ भी ना तो वो संभाल लेंगे। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह सोच ले, सोच के मुझे जवाब दे दें, आपकी कॉल पे काम हो जाएगा। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, सोचने का डिपार्टमेंट तो आपने लिया हुआ है ना। आप कब तक मेरे सवालों को यूं ही मजाक में उड़ाते रहेंगे? आपको क्या लगता है मुझे कुछ नजर नहीं आता? एक बात बताऊं, गुस्से में जो ये माथे पर आपके बल आते हैं ना, ये उन बलों से मुख्तलिफ हैं जो परेशानी में आपके माथे पर आते हैं, जैसे अभी आए हुए। आंसू खुशी के हों या गम के, उनका जायका तो एक ही जैसा होता है ना बेगम। अब ये देखने वाले की नज़र का धोखा होता है कि वो क्या देखता है ना। इस वक्त मैं गुस्से में हूँ और ना परेशान, बस नींद नहीं आ रही थी तो ताज़ा हवा खाने ऊपर आ गया। मेरा मशवरा ये है कि ताज़ा हवा में चंद सांसें आप भी ले लिया करें, दिमाग को सुकून हो जाता है। कैसे शेयर करते हैं? अगर शेयर कर देते तो अपनी सारी मुश्किलात और जिम्मेदारियों के साथ साथ उन बेमानियों को भी तो शेयर करना पड़ जाता ना इन्हें। शर्मिंदगी होती होगी ना इन्हें किसी को बताने में, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए इन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बिजली काटो इनकी। बिजली क्या, इनका तो गला ही काट देना चाहिए। मैंने कहा था ना नेमत भाई कुछ भी नहीं होगा, बंदा यूनिफॉर्म में आया अपना काम किया और चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। अब आप मदद से बिजली यूज कीजिए और अपना बिल क्लियर कीजिए। इतनी छोटी मोटी रकम भी नहीं है फैसल मियां जो चंद महीने में उतर जाए, चंद हजार की किस्तों से लाखों रुपए उतारने। उतर जाएंगे नेमत भाई, सब उतर जाएंगे, आप देखिएगा ये वक्त आंखों आंखों में गुजर जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इंस्पेक्शन टीम आ गई तो क्या हुआ? अरे मेरे बहुत बंदे हैं वहां पर,
अगर कोई इंस्पेक्शन होना भी हुआ ना तो मुझे पहले फोन आ जाएगा और मैं आपको बता दूंगा। आपने बस वो ब्रेकर गिराना है जो वो मेन बोर्ड में लगा के गया है। ब्रेकर के गिरते ही सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा होना चाहिए। आप चाय पीजिए, चाय टेंशन मत ले, चाय पिए आप। पापा, मम्मा, अरे भाई एनी कहाँ हो? क्या हो गया भाई, क्यों चीख रहे हैं आप? बेटा जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ ना, एक बार देखोगी ना तो तुम भी खुशी से चीख उठोगी। ओ वाह, दिखाएं क्या लाए आप मेरे लिए। सबर करो सबर करो, ये तो मेरी है। नहीं भाई, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? अरे बेटा, ये इतनी शॉपिंग कहाँ से कर ली? मामा, आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको सरप्राइज दूं, इसलिए आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए। ये लें, ये आपके लिए शॉल, ब्रांडेड है। पापा की घड़ी कहाँ चली गई? पापा ये आपके लिए घड़ी। अच्छा भाई, तुम हम रह गई तुम्हारा। ये लो, तुम्हारा ब्रांडेड परफ्यूम है जो तुमने मंगवाया था वही है। और ये इतने सारे शॉपर्स किसके? मामा ये मेरी शर्ट्स और कुछ जीन्स हैं। मतलब ये कि तुमने पूरे महीने की कमाई आधे दिन से भी कम वक्त में खर्च कर डाली। जी पापा, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? नहीं नहीं बेटा, ठीक किया, बल्कि अच्छा किया। By the way, thanks for the gift. चले आप लोग अपने तोहफे देखें, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। बहुत शानदार गिफ्ट दिया तेरे बेटे ने, बहुत खूबसूरत, और तूने अच्छा नहीं किया उसके साथ। इतने दिल से वो तेरे लिए इतना खूबसूरत तोहफा लेकर आया है और तूने उसे टोक दिया, यार उसे कितना बुरा लगा होगा। और जैसे मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था ना, अरे मुझे एक पाई ना देता लेकिन कम से कम अपनी पहली कमाई अपनी माँ के हाथ में तो ला के रखता। यार तू तो ऐसे कह रहा है जैसे उसकी तनख्वाह का तुझे शिद्दत से इंतजार था। शब्बीर साहब, जब इंसान कोई पेड़ लगाता है ना तो उस पेड़ से पककर गिरने वाला पहला फल दुनिया का सबसे लजीज फल लगता है उसे। अरे यार बस छोड़ो यार, तुम चाय पियो, और तुमने ना बस अच्छा नहीं किया यार। अगर तुम उसका तोहफा ले ले तो कितनी खुशी होती यार। मगर ये भी तो सोचा ना यार, सब बुरी हरकत थी। लेकिन यार बेटा है, मुझे पसंद नहीं कर रहा। हाँ हाँ बस मैं पहुंच रही हूँ। हाँ हाँ बस तुम स्टॉप तक आ जाओ, बस मैं आ रही हूँ। ओके बाय। हाँ भाई, अब ये बता कि डॉक्टर को चेकअप करा लिया तूने? यार मैं अपने यहाँ बीमारियां बताने नहीं आया हूँ, सौदा लेने आया था, कुछ सोचा तेरी चाय पीता चल। यार ये सब पूछना मेरा फर्ज है, चाय पीनी है ना तुझे? ठीक है इकबाल, चाय ले आओ। हाँ हेलो, क्या
अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। हेलो। हाँ नमन भाई। हाँ वो इंस्पेक्शन टीम निकल चुकी है आपके घर के लिए। अच्छा मुझे भी ये पता चला है। अच्छा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं फौरन घर जा रहा हूँ। जी ओके ओके ओके। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस वो एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना है जरा। अरे मुझे तो कुछ बता दे यार। अरे क्या मैं हुआ? आके बताऊंगा। अरे नेमतुल्ला। अरे अरे यार क्या घर का बिल लेकर आओ, बिजली का। जी? जाओ लेकर आओ। बिजली चोरी करते हो? हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें? ये आप क्या कह रहे हैं, हमें वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता। और पापा भी इस वक्त घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तो आप उनसे तो आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। बिजली चोरों की जगह जेल में। ये आपका घर है? हाँ हाँ मेरा घर। तो आप बिजली चोरी करते हो? बिजली नहीं भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपको इस उम्र में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? बिजली चोरी करते वक्त शर्म नहीं आई, झूठ बोलते वक्त खाक शर्म आएगी? नहीं लाना तो ऐसे लोगों पे। आपको पता था ना अम्मी ये सब, आप मुझे बता नहीं सकती थी? आज ये सब तमाशा तो नहीं देखना पड़ता इनकी वजह से? मैं क्या बताती, मुझे तो खुद को इल्म नहीं था। इन्होंने तो कभी मुझे अपनी बीवी समझा ही नहीं। हर मुश्किलात, हर जिम्मेदारी, बाहर के सारे मामलात अपने हद तक ही रखते रहे। कभी इन्होंने कोई बात शेयर ही नहीं की। कैसे शेयर करते? अगर शेयर कर देते तो अपनी सारी मुश्किलात और जिम्मेदारियों के साथ साथ उन बेईमानियों को भी तो शेयर करना पड़ जाता ना इन्हें। शर्मिंदगी होती होगी ना इन्हें किसी को बताने में। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए इन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बिजली काटो इनकी। बिजली क्या, इनका तो गला ही काट देना चाहिए। इन्होंने तो कभी मुझे अपनी बीवी समझा ही नहीं। आज ये सब तमाशा तो नहीं देखना पड़ता इनकी वजह से? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कोई बात शेयर ही नहीं। उन बेईमानियों को भी तो शेयर करना पड़ जाता ना इन्हें। शर्मिंदगी होती होगी ना इन्हें किसी को बताने में।